नमस्ते दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग हैं जो उद्धिता पश्चिमोत्तासन का अभ्यास करते होंगे। इसमें क्या होता है, लोगों का बैलेंस बिगड़ जाता है। ये जो बैलेंस बिगड़ने की प्रोसेस है, इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, वो आपकी हैमस्ट्रिंग टाइट और बैक की मसल्स बहुत स्टिफ होती है। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं प्रॉपर गाइड करूंगा कैसे आप भी अपनी हैमस्ट्रिंग और प्लस अपनी बैक मसल्स को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। साथ में जो लोग एकदम बिगनर होते हैं उनको भी ये टेक्निक प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये सारी टेक्निक्स मैंने अपने स्टूडेंट पे ट्राई करी है, उन्हें काफी अच्छा रिजल्ट मिला है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पहले वो इस तरीके से थे, उनका स्पाइन राउंड रहता था, पाँव में भी उनका नी फोल्ड रहता था। तो वो सारी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करी है, अब मैं आपकी भी करने वाला हूँ। तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। अगर आप भी चाहते हैं मेरी तरह एकदम प्रॉपर फ्लेक्सिबल बनना, अगर आप घर पे आपको योगा टीचर नहीं अवेलेबल हो पा रहे तो आप मेरी क्लास ज्वाइन करके प्रॉपर सीख सकते हो। उसके लिए मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दिया है और बाकी की जानकारी आप मुझे वहां पर पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप उद्धिता पश्चिमोत्तासन का प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो इसके कुछ बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। सबसे पहला तो ये जो आपका आसन है, ये आपकी स्पाइन की रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है और इसको फ्लेक्सिबल बनाता है। दूसरा, जितने भी आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, यानी कि आपका मेटाबॉलिज्म या डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो प्रॉपर होने वाला है। साथ में अगर आपका बॉडी प्रॉपर कनेक्शन नहीं है, यानी कि लोअर बॉडी और अपर बॉडी में आपस में एकदम प्रॉपर कनेक्शन नहीं होता, या फिर कह सकते हो कि आपकी पूरी बॉडी एकदम आपस में एनर्जेटिक नहीं रहती है, यानी कि जो पूरा शरीर है हमारा उसमें काफी सारे हमारे सेल्स हैं और नाड़ियां हैं उनकी शुद्धि नहीं हो रही है, तो ये आसन करके आपको काफी अच्छा फील होगा। आपकी नाड़ियों की जो प्राणिक शक्ति है वो काफी अच्छे से फ्लो होगी। तो जरूर इस आसन का अभ्यास करें। ये सभी आसन आपको तभी करने चाहिए जब आप एकदम प्रॉपर फ्लेक्सिबल हो, यानी कि आपका शरीर पूरा खुला हुआ हो, यानी कि वार्म अप की जरूरत होती है। तो हम लोग प्रॉपर एक वार्म अप के साथ करेंगे ताकि आपको वो प्रॉब्लम ना आए जो कि आपको स्टार्टिंग में आती है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, साथ में कुछ टेक्निक का अभ्यास भी करते हैं। अब अपने एक ब्लॉक लेने इस तरीके से और फिर उस पर एक पाँव रखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो टो होगा वो आपने ऊपर रखा और हील जो है वो आपका नीचे रहेगा। फिर दोनों हाथों को साइड में प्लेस करोगे, लंबी गहरी सांस लिया, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट किया और पंपिंग कर, इनहेल आप, एक्सहेल आप। इस तरीके से आप प्रॉपर अपनी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करेंगे। कोशिश करेगा कि आपका बैक स्ट्रेट रहे और नी भी। इसको कम से कम आपने 20-30 टाइम्स करना है, दोनों साइड से करेंगे। पहले एक साइड से, फिर दूसरी साइड से आपने इसका प्रैक्टिस का पांव चेंज करेंगे। एक पैर आगे रखा और दोनों हाथ साइड में रखा। इस तरीके से आपने लंबी गहरी सांस लिया और नीचे की तरफ छोड़ते हुए गए और लेते हुए ऊपर आए। आपको काफी अच्छा स्ट्रेच आएगा आपकी हैमस्ट्रिंग। फिर से हम लोग हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करेंगे जिससे आपका नी स्ट्रेट होगा। एक ब्रिक लिया इस तरीके से, पांव रखा ऊपर, फिर एक पैर आपका पीछे दिखेगा, आपको कैसे रखना है इस तरीके से। फिर अपने दोनों हाथों के एल्बो को इस तरीके से होल्ड करेंगे, सामने रखेंगे, बॉडी को ड्रॉप करेंगे और आगे के लिए बेंड करेंगे। सांस लिया ऊपर आए, सांस छोड़ा नीचे गए। इस तरीके से आपने फिर से अपनी हैमस्ट्रिंग को अच्छे से स्ट्रेच करने की कोशिश करनी है। जितना आप नीचे जाएंगे उतना आपका बॉडी का मसल्स हिप्स का या फिर हैमस्ट्रिंग का खींचने वाला है। कम से कम आपने 10 से 20 बार एक साइड से कर रहे हैं और फिर दूसरी साइड से भी आप इतना ही करेंगे। ये टेक्निक काफी खास है, हर व्यक्ति कर सकता है। अब आपने एक चेयर लेना है इस तरीके से, फिर इस पे आप अपना एक पैर रखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपका हील ऊपर रहेगा और जो आपका टो है ऊपर रहने वाला है। फिर आप लंबी गहरी सांस लेकर सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए आपने दोनों हाथ नीचे रखने हैं और फिर पंपिंग करना है। लंबी गहरी सांस लेने आप, एक्सहेल लॉन्ग। जितना हो सके आपको अपनी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करना है और कोशिश करना है कि आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स पे काफी अच्छा स्ट्रेच है। अगर शुरुआत कर रहे हैं आप तो आपके साथ एक प्रॉब्लम आ सकती है कि आपका हाथ उस चेयर पे नहीं आ पाएगा। तो आपने टच करने के बगैर आप ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों एल्बो को होल्ड करके सांस छोड़ के नीचे जाएं और सांस लेते हुए ऊपर आएं। इससे क्या होगा, आपके बैक में थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, क्योंकि जब आप पंपिंग करते हैं तो आपकी बैक में राउंड बनता है, तो ऐसा नहीं होगा। साथ में अगर आपको बैक में पेन होता है तो आप धीरे धीरे ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि साइड में आप बेंड करें इस तरीके से। तो ये दोनों पांव से आपने करने है, ये टेक्निक भी काफी अच्छी है। तो कुल मैंने आपको तीन टेक्निक बताई है, इनका अभ्यास करेंगे। अब सबसे मेजर प्रॉब्लम ये आती है, काफी लोग इसका अभ्यास करते हैं उनका पैर तो सीधा हो जाता है लेकिन बैक उनकी बहुत राउंड होती है। उसके लिए हम एक टेक्निक करेंगे जिसका यूज करना है, यानी कि वॉल का यूज करते हुए उस टेक्निक का यूज करना है और काफी अच्छी ये टेक्निक है, इसका अभ्यास जरूर आप। किसी वॉल लेनी है और फिर अपना एक पैर ऊपर ले जाएंगे और फिर दूसरा पैर भी इस तरीके से ऊपर ले जाएंगे। एक हाथ आपका पीछे रहेगा, दूसरा हाथ पीछे रहेगा। अपनी नी को बेंड करना है और बटक को ऊपर की तरफ इस तरीके से ले जाएंगे और अपने पांव को सीधा करना है, लंबी गहरी सांस लेंगे और अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करना है इस तरीके से, और सर को भी आपने टच कर देना। फिर यहां पर आपने रोकना है। शुरुआत जब आप करेंगे तो कुछ आपका ऐसा होने वाला है क्योंकि आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होगी शोल्डर में, साथ में आपकी हैमस्ट्रिंग बहुत टाइट होगी। धीरे धीरे कर करके आपका अभ्यास होगा, बढ़ेगा, तो आप आराम से अपने सर को टच कर पाएंगे। अब फिर आपने वापस आ जाना है।
इसका अभ्यास कम से कम 10 से 20 बार करें। कोशिश करें कि आपकी स्पाइन ऊपर की तरफ रहे, काफी लोग इसमें डाउन कर लेंगे, ये आपकी गलती होगी। आपने स्पाइन को स्ट्रेट करना है और आपका लेग भी स्ट्रेट रहना चाहिए, तभी आपको हैमस्ट्रिंग में काफी। अब आपने कह रहे हैं कि जो आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स है इसको आपने जैसे स्ट्रेच कर लिया तो आप ये फ्लेक्सिबल हो चुकी होगी। कुछ हफ्तों के अभ्यास से ही आपका ये आसन होगा, एक दिन में बिल्कुल नहीं होता है। तो आपको कम से कम 3-4 हफ्ते तक प्रैक्टिस करते रहना है अगर आपका नहीं भी होता है पहले हफ्ते में। और कभी भी आपने डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि जो व्यक्ति डिमोटिवेट हो जाएगा अभ्यास करना छोड़ देगा। तो हमेशा अभ्यास पे फोकस करें, सक्सेस आपको तब मिलती है जब आपका शरीर खुल जाएगा इस आसन में, और जिस शरीर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो आसन काफी अच्छे से करता है, और इतना अच्छा आसन उसको भी लाइक लगता है साथ में, और जो उसके अंदर बेनिफिट होते हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अब आपने करना है कि सबसे पहले तो लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर आपने स्पाइन को स्ट्रेट कर रहे हैं। इसकी एक तरकीब है कि आप अपने सर को अपने नी से टच करें और नी को अपने सर से टच करें प्रॉपर, ताकि वो आपको फोर्स दे पीछे के लिए और सर आपका नी पे फोर्स दे यानी कि आगे के लिए। तो बीच में जो बैलेंस बनेगा वो आपकी फोर्स से बनता है। तो आपने करना क्या है, इसको फॉलो करना है। हाउ टू फॉलो एवरीवन, देखिए स्पाइन स्ट्रेट किया, फिर सर टच कर लें एंड उसके बाद लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे अपने पांव को सीधा करिए इस तरीके से। जैसे मेरा भी जो आसन आपने देखा, ये पहली बार में तो इतना अच्छा नहीं होगा मेरा, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो बहुत अच्छा नहीं था, वो कुछ ऐसा था और मैं बार बार गिर रहा था। तो आप भी हो सकते हैं पहली बार में गिरे, आपसे नहीं होगा, लेकिन जो मैंने आपको टेक्निक बताई है उनका अभ्यास करेंगे तो आप जरूर इस आसन तक यानी कि मेरी तरह इसको परफेक्ट या फिर कह सकते हो एकदम स्ट्रेट करने की जो कोशिश है वो पूरी आपकी हो जाएगी। तो ये वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप चाहते हैं कि आप मेरे साथ डायरेक्ट सीखिए ऑनलाइन, तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करके व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिए और साथ में हमारी वेबसाइट पे भी विजिट करिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और हो सकता है अगर आपको कुछ नया आने की कोई आसन हो जो आप बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके पास गाइडेंस नहीं है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपने देखा होगा नंबर वहां मिल जाएगा, या फिर कमेंट करके आप तुरंत मुझे सजेशन दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, इंतजार रखिएगा उस वीडियो का। नमस्ते।